हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्सी पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूं आज दैट व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। एक वैलिड मीटिंग का क्या क्या रिक्विजिट्स होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। और उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा, इसको अगर आप दबा देते हैं तो कोई भी तरह की वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगी जब भी मैं किसी वीडियो को डालूंगा। तो ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेल आइकन को दबा दें। उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा कि आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं, जो कि आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके लेना है। इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको इग्नू बीकॉम में जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद आपको मोर अबाउट पर्क्स में जाना है। ये देखो, यहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप का लिंक शो करेगा जिसको आपको एक तरीके से ज्वाइन कर लेना है इस पेमेंट को करने के बाद, जो कि है 119 रुपीज का। तो इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आपको पेमेंट करना है और फिर इस व्हाट्सएप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे, यहाँ पे आपको फ्री सॉल्व असाइनमेंट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बहुत ही लो कॉस्ट पे एक तरीके से 40% डिस्काउंट्स पे आपको नोट्स मिल जाएंगे अगर आप लेना चाहते हैं तो। हालांकि वीडियोज और नोट्स के माध्यम से जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी, आपको आवश्यक नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आप WhatsApp सपोर्ट लेना चाहते हैं, जो कि आपको मिलेगी जब आप ले लेंगे, तो आपको WhatsApp सपोर्ट मिलेगा 24/7 जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। सो आप ये काम जो है यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप डायरेक्टली हमसे जुड़ते हैं, ठीक है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप बोलिए कि सर मैंने अभी तक मेंबरशिप नहीं लिया पर मैं डायरेक्टली आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, तो वहां पे सिर्फ आपको 100 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे। आपको यहाँ पे 119 रुपीज पे आपको नहीं करने पड़ेंगे, आपको आपका काम जो है सिर्फ 100 रुपए में हो जाएगा। तो 100 रुपए एक तरीके से जो है आपको मेंबरशिप फी वहां पे करनी है और उसके बाद जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी करें तो प्लेलिस्ट में आकर के स्टडी करें। यहाँ पे देखो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है इग्नू बीकॉम न्यू बोल करके, तो प्लेलिस्ट में आपको जाना है। जाने के बाद आपको इग्नू बीकॉम न्यू के ऊपर क्लिक करना है। आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जिसके अंदर ढेरों वीडियोस हैं जिनको देख करके पढ़ करके आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। अब चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर जो की है रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। एक मीटिंग को वैलिड कब बोलेंगे या एक मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग के बारे में, तो चलिए फिर देखते हैं। सो इन द प्रीसीडिंग टू सेक्शंस यू लर्न, अच्छा इसको गोली मारो, हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा। यू विल स्टडी अबाउट दीज नाउ इन एनी और इसको इसके बाद से करते हैं, ठीक है। नाउ In any organization, meetings are held to discuss, transact important matters related to the objectives of the organizations. तो जो भी उद्देश्य होता है organization का, उसको ध्यान में रखते हुए जो है meetings conduct कराई जाती हैं organization के द्वारा different different times पे, ताकि एक तरीके से जो objective है उनको पूरा किया जा सके और उसी के लिए वो लोग जो है meeting करवाते हैं। So over the years, certain essential requirements of a valid meeting have been evolved so as to give legal backing and respectability to the decisions taking in the meetings. है ना? तो over the years, जैसे ऐसे समय बीता है, समय के साथ साथ लोगों ने एक तरीके से इसको बहुत ही अच्छे तौर पे लिया है और इसको एक तरीके से वैलिड बनाने के लिए यहाँ पे कुछ कुछ चीजें एक तरीके से इवॉल्व हुई हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है एज अ लीगल बैकिंग। आगे जाकर के अगर कोई लीगल पचड़े में अगर आप फंसते हो तो इस मीटिंग्स का सहारा आप ले सकते हो, जिसमें आप बोल सकते हो कि देखो ये हमारा जो है मिनट्स था मीटिंग का, ये यहाँ पे डिसीजंस वगैरह जो है यहाँ पे हुए थे। तो इन सब मीटिंग्स के लिए अभी के टाइम पे जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ा है। तो डेफिनेटली जब किसी चीज की इंपॉर्टेंस होती है तो उसका रिक्विजिट्स क्या होता है, उस क्या क्या चीजें वहां पे होनी चाहिए, उस चीज के ऊपर भी हम पढ़ते हैं, राइट। तो वही सारी चीजें हमें भी करने वाले हैं। सो दीज रिक्विजिट्स कैन बी डिस्क्राइब एज फॉलोज। अरे यार, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है द मीटिंग मस्ट बी कन्वेन्ड प्रॉपरली बाय द पर्संस और अथॉरिटी ड्यूली ऑथोराइज्ड टू डू सो, है ना। तो मीटिंग जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सारे मेंबर्स को, सारे पर्संस को बता देनी है कि इस तारीख पे जो है मीटिंग होने वाली है, राइट। सो मीटिंग मस्ट बी कन्वीन प्रॉपरली बाय द पर्सन, जो भी अथॉरिटी पे व्यक्ति बैठा हुआ है, जो पर्सन है या फिर जो अथॉरिटी है उसको अच्छे तरीके से लोगों को बताना है, लोगों को मतलब जो भी मेंबर्स होंगे उनको बताना है कि मीटिंग जो है वो होने वाली है, राइट। सो सबसे पहला पॉइंट है द मीटिंग मस्ट बी कन्वीन प्रॉपरली बाय द पर्सन और अथॉरिटी ड्यूली ऑथोराइज टू डू सो, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है अ प्रॉपर नोटिस शुड बी सेंट एज पर बाई लॉज to all the persons who are entitled to attend the meeting or to vote at the meeting, otherwise the proceedings of the meeting will be invalid. मेरे पास भी कुछ दिन पहले मेल आया था, जब भी देखो जब भी मैं किसी शेयर को खरीदता हूँ
और उस शेयर की जब एजीएम होने वाली होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, या फिर कोई ऐसी भी मीटिंग होती है जहां पे हमको वोट करने का अधिकार है क्योंकि मेरे पास इक्विटी शेयर्स हैं, तो उस केस में मेरे पास प्रॉपर एक मेल आता है, प्रॉपर नोटिस आता है जिसमें सारे के सारे बायलॉज का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि एक प्रॉपर नोटिस सेंड होनी चाहिए जहाँ पे प्रॉपर बायलॉज का इस्तेमाल होगा। जो भी एंटाइटल्ड है उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, वोट करने के लिए, उन सबको ये लेटर जो है आपको भेजना है, नहीं तो आपका जो मीटिंग है वो एक तरीके से इनवैलिड हो जाएगा, सही उसको नहीं माना जाएगा। तो दूसरी बात जो आपको ये करनी है वो ये है कि आपको नोटिस भेजना है सभी को अपने बायलॉज का, एक तरीके से इस्तेमाल करते हुए जो भी बायलॉज कहते हैं उसके हिसाब से आपको जो है सारे कामों को करना है। पब्लिक मीटिंग्स आर कन्वीन्ड थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स इन न्यूज़पेपर। जो पब्लिक मीटिंग्स होती हैं वो एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट की जाती हैं उसकी न्यूज़पेपर्स में, ताकि लोगों को पता चल जाए, क्योंकि पब्लिक मीटिंग है, सारे लोगों को यहाँ पे हिस्सा लेना है, तो न्यूज़पेपर्स में इसका एड डाल दिया जाता है पोस्टर्स के माध्यम से, या फिर और बाय नोटिस डिस्प्लेड इन अ प्रोमिनेंट प्लेस, किसी प्रोमिनेंट प्लेस पे कोई नोटिस चिपका दिया गया, राइट। इंडिविजुअल नोटिसेस इन सच केसेस इज नीदर नेसेसरी नॉर पॉसिबल ऑल्सो, है ना। तो इंडिविजुअल केसेस तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन है, तो सारे लोगों को बताने के लिए अगर आप इंडिविजुअली सबको नोटिस लिखोगे तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। तो किसी प्रोमिनेंट प्लेस पे आपने कोई नोटिस चिपका दिया, पोस्टर्स के माध्यम से आपने बताने की कोशिश की, न्यूज़पेपर में आपने एड डाल दिया, तो ये सारी चीजें जो है तरीका है यहाँ पे एक तरीके से लोगों तक मैसेज को कन्वीन करने का कि हम जो है मीटिंग करने वाले हैं, ठीक है। और इंडिविजुअल नोटिस लिखना ना ही वो पॉसिबल है ना, ना ही वो नेसेसरी है, और ना ही वो पॉसिबल हो पाता है। मैं पब्लिक मीटिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। द मीटिंग मस्ट बी लॉफुल, जो मीटिंग है वो बहुत ही कानूनी रूप से सही होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। इट मस्ट बी हेल्ड एट अ लॉफुल प्लेस, एक अच्छे कानूनी वातावरण में होना चाहिए। दैट इज अ प्लेस नॉट प्रोहिबिटेड बाई एनी लॉ, ऐसा कोई जगह जिसको एक तरीके से मना किया गया है कि यहाँ पे आप मीटिंग नहीं कर सकते हो, वहां पे अगर आप मीटिंग करोगे तो वो भी इनवैलिड हो जाएगा। तो एक सही जगह पे होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर अ लॉफुल पर्पस, जिसका पर्पस है एक लॉफुल है, कानूनी रूप का है, इलीगल कोई काम नहीं कर रहे हो। नॉट अगेंस्ट एनी पब्लिक पॉलिसी, जो पब्लिक पॉलिसी उसके अगेंस्ट आप कोई काम नहीं कर रहे हो। एंड पब्लिक इंटरेस्ट, एंड मस्ट नॉट डिस्टर्ब पब्लिक पीस एंड ऑर्डर, और जो भी आप मीटिंग कर रहे हो उसके कारण से पब्लिक पीस या फिर पब्लिक ऑर्डर में किसी भी तरह का खलल पैदा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज का बात आज इन चीजों का जो है आपको ध्यान रखना है। मीटिंग जो है लॉफुल तभी बनेगी जब आप इन चीजों का ध्यान रखोगे। आप लॉफुल प्लेस पे मीटिंग को कराओगे, एक ऐसा प्लेस जो कि एक तरीके से मना नहीं किया गया है लॉ के द्वारा, उसका जो पर्पस होगा मीटिंग का वो लॉफुल होना चाहिए, किसी पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, है ना। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है अगर आपको अपने मीटिंग को वैलिड बनाना है तो, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट है, द मीटिंग मस्ट हैव अ कोरम प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो मीटिंग का एक कोरम होता है कि ये चीजें हम मीटिंग में करने वाले हैं, तो उस कोरम को पूरा करने के लिए, पूरा छोड़ दो पहले, बताने के लिए आपको प्रेस्क्राइब्ड वे में आपको अपने कोरम को मेंशन करना होता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कि ये हमारा कोरम जो है होने वाला है। कोरम मींस अटेंडेंस ऑफ अ मिनिमम नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड पर्संस। कोरम का मतलब यहाँ पे देखो बता दिया गया, जो एजेंडा होता है वो मैंने अभी आपको बताया था, एजेंडा में प्रॉपर जो है चीजें मेंशन होती है कि इन इन चीजों पे हम बात करेंगे। कोरम में होता है कि सपोज 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में कम से कम 70 लोग होने चाहिए मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, ये सपोज कोरम है। तो अगर 70 लोग नहीं होंगे तो मीटिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी, राइट। तो कोरम मींस का मतलब होता है अटेंडेंस ऑफ अ मिनिमम नंबर ऑफ ऑथराइज्ड पर्संस। मिनिमम जितने सारे लोग हैं, मिनिमम कितने होने चाहिए, वो कोरम आप डिसाइड करोगे, ताकि जो बिजनेस का ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस है वो हो सके, जो मीटिंग है वो हो सके। सो कोरम मींस अटेंडेंस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ ऑथराइज्ड पर्संस फॉर अ वैलिड ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेसेस। बिजनेस मीटिंग कर देता है इसको। वेयर नो कोरम इज प्रिस्क्राइब, जहां पे किसी भी तरह का कोई कोरम प्रिस्क्राइब नहीं है, प्री एज्यूमेबल, वहां पे एज्यूम पहले से कर लिया जाता है, एटलीस्ट 2 persons मस्ट बी प्रेजेंट, कि कम से कम यहाँ पे 2 लोग तो पक्के होने चाहिए ताकि मीटिंग को स्टार्ट करा जा सके। एज इट इज पॉसिबल इम्पॉसिबल फॉर 1 person टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग। अब वो इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति के लिए मीटिंग कर पाना तो पॉसिबल नहीं है। मीटिंग करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए जो आपस में मिलकर के बातचीत करेंगे, राइट। तो अगर कोरम कोई डिसाइड नहीं किया गया है, नंबर ऑफ अटेंडेंस अगर नहीं डिसाइड किया गया है, तो उस केस में ये अज्यूम कर लिया जाता है कि कम से कम अगर 2 लोग भी होंगे तो मीटिंग जो है उसको कराई जा सकती है, राइट। द कोरम मस्ट नॉट ओनली बी प्रेजेंट इन द बिगिनिंग बट मस्ट बी मेंटेन थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द मीटिंग। अब ऐसा नहीं कि कोरम जो है सिर्फ जब आपने मीटिंग आपने स्टार्ट करा तभी आपको लाइक पूरा करना है, 70 लोगों से मीटिंग स्टार्ट करना है, मीटिंग स्टार्ट करके 5 लोग चले गए, ये भी नहीं मतलब सही लगेगा, सही होगा, ठीक है। 70 लोगों को ही थ्रू आउट द मीटिंग भी उनको प्रेजेंट वहां पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मीटिंग स्टार्ट करने से लेकर के मीटिंग एंड होने तक एक जो कोरम है उसको मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर
कोरम इज नॉट नेसेसरी फॉर एनी पब्लिक मीटिंग, तो पब्लिक मीटिंग के लिए किसी भी तरह के कोरम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये भी आप अपने ध्यान में रख सकते हो। ये जो मैंने अभी आपको बताई कोरम के जो कंडीशंस हैं या भी जो जो भी चीजें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्लेयर्स के लिए हैं, जो पब्लिक मीटिंग्स होती है, सॉरी जो प्राइवेट मीटिंग्स होती है, क्या बोल रहा हूँ मैं भी कभी कभी, जो प्राइवेट मीटिंग्स होती है उनके लिए है, पब्लिक के लिए नहीं है। पब्लिक के लिए किसी भी तरह की कोरम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला पॉइंट है द मीटिंग मस्ट बी ऑलवेज बी प्रिसाइडेड बाई ओवर बाई अ चेयरमैन। तो एक चेयरमैन जो है वो मीटिंग को प्रिसाइड करेगा, मीटिंग को स्टार्ट वही करेगा, है ना। द चेयरमैन इन द केस ऑफ पब्लिक मीटिंग इज अपॉइंटेड बाई द कन्वेनर्स और बाई दोज हु आर प्रेजेंट, है ना। तो जो चेयरमैन होता है पब्लिक मीटिंग के केस की बात कर रहा हूँ, अगर आपका मीटिंग पब्लिक है तो उस केस में जो चेयरमैन होगा ना वो कैसे डिसाइड होगा, उसको जो है या फिर तो कन्वेनर्स डिसाइड करेंगे या फिर वो लोग जो वहां पे प्रेजेंट होंगे वो डिसाइड करेंगे कि भाई ये हमारा चेयरमैन होगा, ये मीटिंग को प्रिसाइड करने वाला है। पब्लिक मीटिंग की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में तो चेयरमैन एक तो होगा ही, है ना, प्राइवेट में चेयरमैन होते हैं, लेकिन पब्लिक में चेयरमैन चूंकि नहीं होते हैं तो यहाँ पे जो भी कन्वीनर्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि ये हमारा चेयरमैन होगा, ये प्रिसाइड करेगा, या फिर तो जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मेंबर्स जो प्रेजेंट होंगे वो डिसाइड करेंगे कि ये हमारे चेयरमैन या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, प्रिसाइड करेंगे। सो इन द केस ऑफ रजिस्टर्ड बॉडीज के केस में द चेयरमैन इज अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो ऐसे जो भी यू नो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे जो भी बॉडीज हैं, रजिस्टर्ड बॉडीज हैं, है ना, तो उन सारे केसेस में जो चेयरमैन होगा उसको अपॉइंट किया जाता है बाय फॉलोइंग द रिस्पेक्टिव रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके उन यू नो चेयरमैन को इस तरीके से अपॉइंट करा जाता है, ठीक है। छठा नंबर पॉइंट है प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग मस्ट बी रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ गवर्निंग द पर्टिकुलर मीटिंग। जो भी प्रोसीडिंग्स होगी मीटिंग की वो पर्टिकुलरली उस चीज को, मीटिंग को जो है एक तरीके से जो भी गवर्नमेंट की जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग वो मीटिंग होनी चाहिए, है ना। तो मीटिंग को जो रेगुलेट करने का काम जो होगा वो जो एक लॉ के तहत वो काम करेगा, जो कि एक तरीके से यू नो एक गाइडेंस फोर्स के रूप में जो है वो लॉ काम करता है, जिसके जरिए मीटिंग की प्रोसीडिंग्स जो होती है, राइट। तो छठे नंबर पॉइंट में यही बात बोली गई है कि प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग मस्ट बी रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है, गवर्निंग द पर्टिकुलर मीटिंग। तो एक पर्टिकुलर मीटिंग का जो लॉ होगा, जो लॉ गवर्निंग बॉडी होगी, वो एक तरीके से प्रोसीडिंग्स को एक तरीके से मैनेज करेगी और उसके अकॉर्डिंग जो है उसको रेगुलेट करने की कोशिश की जाएगी। प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स एट द मीटिंग मस्ट बी केप्ट। मीटिंग में जो भी चीजें हुई हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड होना, प्रोसीडिंग्स का रिकॉर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो एक वैलिड मीटिंग के लिए जो भी मीटिंग्स में हो रही है उन सारी चीजों को एक तरीके से रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग शुड बी ड्यूली रिटन। जो भी मिनट्स होंगे मतलब जो एजेंडा होगा एक तरीके से, उनको एक तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, कंफर्म्ड होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द एस्टैब्लिश्ड प्रोविजंस, है ना। कंफर्म्ड होना चाहिए, जो भी एस्टैब्लिश्ड प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें कन्फर्म्ड होंगी, ड्यूली रिटन होंगी, या जो भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उनका वहां पे साइन भी रहेगा, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर रिकॉर्ड यहाँ पे रखने की बात की जा रही है जो भी मीटिंग की प्रोसीडिंग्स होंगी। सो दीज आर द सेवन रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। एक वैलिड मीटिंग को हम वैलिड तभी बोलेंगे जब इन सातों चीजों को एक तरीके से फॉलो करा जाएगा मीटिंग के दौरान, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।